छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के सह प्रभारी पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी तंज कसते हुए बेटियों की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के सह प्रभारी का बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में गिरफ्तार होना यह स्पष्ट करता है कि राज्य में अपराध के ग्राफ क्यों बढ़े हैं। जब सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग इस प्रकार के गंभीर अपराधों में संलग्न रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। आज की घटना से मुझे प्रदेश की बेटियों की चिंता होने लगी है कि हमारी बेटियां किस प्रकार से कांग्रेस के राज में सुरक्षित रहेंगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जीत का दावा किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरक्षण की वजह से भानु प्रतापपुर सीट जीतना कांग्रेस के लिए चुनौती है। आदिवासी कांग्रेस की सरकार से आक्रोशित है, आदिवासी इनसे बदला लेना चाहते हैं। कांग्रेस की सभा से ज्यादा भीड़ बीजेपी की सभा में नजर आ रही है। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव निश्चित रूप से बीजेपी ही जीतेगी। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नियमितीकरण की बात की थी लेकिन अब तो लोगों को पेंशन और महंगाई पता नहीं मिल पा रहा है। हर बात के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस से ज्यादा लोग हमारे पास उपस्थित थे। मुख्यमंत्री की सभा में उतनी उपस्थिति नहीं थी जितनी भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति है, सभा में उपस्थिति थी। और यह मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भानु प्रतापपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजयी होगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए जो अन्य बातें कही हैं, नियमितीकरण की बात है, पेंशन समय पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है, उस पर भी तो भूपेश जी को बात करना चाहिए, उस पर भी तो सार्वजनिक रूप से बयान देना चाहिए, कर्मचारी अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल से बुला करके बातचीत करना चाहिए। हर बात पर सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ना और केंद्र को निशाने पर लेना, भूपेश जी पहले यह तय कर लें कि वो सत्ता पे है या विपक्ष में। छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम में राशन स्टॉक में गड़बड़ी के मामले को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत एक्शन में हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्टॉक के मिलान के आदेश दिए हैं। वहीं स्टॉक में गड़बड़ी की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, पीडीएस सुविधा प्रभावित नहीं होगी। 2017 से स्टॉक का मिलान नहीं होने से अभी 2022 में भारत सरकार का एक निर्देश आया कि पीएमजेकेवाई में जो आवंटन जारी किया था उसका वितरण की जानकारी भेजिए, उससे स्टॉक क्या है। उसके बारे में जब स्टॉक मिलान किया गया तो पाया गया कि 2017 से स्टॉक का मिलान नहीं हुआ है और अभी नवंबर 2022 में वितरण के लायक हमारे पास स्टॉक नहीं बच रहा है पिछला स्टॉक को घटाने से। उसको ठीक करने के लिए हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए और पिछला स्टॉक का सत्यापन वेरिफिकेशन कराएं और जिसकी जवाबदारी है, जिसकी लायबिलिटीज है, उसके ऊपर उसको पूरा किया जाए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। गुना में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के बिजली के बिल बकाया है वो अगर 50 की जगह 10% बिल भी जमा करते हैं तो भी उनका बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी ट्रांसफार्मर जले हैं उनको भी सिर्फ 10% की राशि जमा करवाकर बदले जाए। वहीं बैठक में प्रदेश के पंचायत विकास मंत्री महेन्द्र सिंह